तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाहजहांपुरी फ्यूजन ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूं जो कुछ सर्दी से रिलेटेड है। जिन कबूतरों को सर्दी लग जाती है, नज़ला छींके वगैरह आने लगती हैं और बुखार वगैरह भी आ जाता है, तो उनको हम पहले से ही बचा सकते हैं इस नुस्खे के ज़रिए। ये मैं काफ़ी आजमाता हूँ तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, मेरे कबूतर बीमार नहीं होते हैं। तो दोस्तों, करना ये है आपको, तीन चीज़ें लेनी है सिर्फ, एक अजवाइन और लौंग और अदरक। इन तीन चीज़ों को आपको पानी में खौलाना है बेहतर तरीके से। अजवाइन डालनी है, अदरक को घोल के डालना है पीस के, और दो तीन लौंग के फूल डालने हैं उसमें, और उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको खौला लेना है। जब 10-15 मिनट में ये चीज़ें अच्छे से खौल जाएं तो उस पानी को आपको छान लेना है, और कबूतरों को जो है आपको एक नाइट पहले पानी हटा लेना है, उनको पानी नहीं देना आपको। और मॉर्निंग में ये नुस्खा आपको करना है, मॉर्निंग में आप पानी खौलाएंगे, उसको छान के दूसरे बर्तन में कर लेना है, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें आप, और जब बहुत ज़्यादा बहुत हल्का सा गर्म पानी बचे तो वो आप अपने कबूतरों को दे सकते हैं। उसको पीने से उनको जैसे अदरक पिएंगे तो उनको जो है एंटीबायोटिक का काम करेगी वो, और बीमारियों से भी बचाएगी, और नज़ले खांसी सर्दी ज़ुकाम इन सब चीज़ों से भी बचाएगी, और आपका कबूतर काफ़ी ज़्यादा फिट भी रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कबूतर माशाल्लाह भी बिल्कुल फिट हैं। तो मैं ये नुस्खा आजमा रहा हूँ तो सोचा आपके साथ भी मैं ये शेयर करूँ, क्योंकि जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे मुझे फैज़ होता है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो सोचा इस नुस्खे को भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, ताकि आपके कबूतर भी बेहतर तरीके से फिट रहें। और दोस्तों, उनकी फीड में आपको क्या करना है, फीड में उनकी आपको बाजरा भी मिक्स कर देना है। अगर आप गेहूँ या कुछ भी दे रहे हैं तो बाजरा ज़रूर देना है, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है और उससे कबूतरों को थोड़ी गर्मी मिलती रहती है। तो इस बहाने और कबूतर आपका प्रोटेक्शन में आ जाएगा, सर्दी गर्म सर्दी ज़ुकाम खांसी से बचा रहेगा, और जो वायरल बीमारियाँ चलती हैं कबूतरों की, उनसे भी बचा रहेगा। तो ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, ये हफ्ते में कम से कम 2-3 बार आपको देना ही देना है। 2 बार आप कोशिश करें दे दें, नहीं तो 1 बार भी चलेगा, वैसे 2 बार दें ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इससे आपके कबूतर माशाल्लाह बीमार नहीं होंगे और बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा ये नुस्खा, और हमारे चैनल शाहजहांपुरी फ्यूजन ब्लॉग को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।